बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। एहतियात कीजिए, मिन्नत समाजत मुआफी वाला जमाना। के आईजी पंजाब का आरपीओज, डीपीओज, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस अफसरान को बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 81,000 से ज्यादा चालान, 2,100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। सेफ सिटी 15 सेंटर से इमरजेंसी कॉल पर फौरी कार्रवाई। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के जरिए 3 गुमशुदा बच्चे वालदेन के हवाले। वालदेन की पंजाब पुलिस के लिए नेक ख्वाहिशात। गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 इमरजेंसी सेंटर में 57,541 कॉल्स मौसूल हुई। 4,232 कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करते हुए मदद के लिए पुलिस भिजवाई गई, जबकि 41,258 कॉल्स गैर जरूरी करार। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर 3,439 ई चालान जारी। शहरियों से दरख्वास्त है कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम कीजिए और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सेफ सिटीज में कायम व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर और लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की बदौलत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब। चोरीशुदा और छीनी 332 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया गया, जबकि शहर भर की कैमरों से मॉनिटरिंग से 2,855 मकामात की निशानदही करते हुए ऑब्जर्वेशन दी गई। अब जदीद सॉफ्टवेयर से मुजरिमों के फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग चंद सेकंड्स में मुमकिन। खतरनाक मुलजमान की गिरफ्तारी में मुआविन सिस्टम किस तरह से काम करता है, जानिए इसी बुलेटिन में। रहीमयार खान पुलिस का काम खिदमत आपकी। आरपीओ राय बाबर सईद का स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल, थानों का दौरा। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की तामीराती कामों पर ब्रीफिंग। ननकाना दहशतगर्दी के पेश नजर ननकाना पुलिस और सीटीडी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका हंगामी मशकें। इदारों का रिस्पॉन्ड चेक किया गया। और लोधना पंजाब पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, 50 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस का बगैर लाइसेंस गाड़ियां और बाइक चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले 19,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। रवां साल सूबे के तमाम अजला में मजमूई तौर पर कम उम्र ड्राइवर्स के 81,000 से ज्यादा चालान और 2,100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 3,500 गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स को थानों में बंद किया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वाले वालदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वालदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत हरगिज़ ना दें। ऐसे कम सिन ड्राइवर्स अपने साथ साथ दीगर शहरियों की जिंदगी के लिए खतरात का बायस बनते हैं। सुपरवाइजरी अफसरान इस हवाले से क्रैकडाउन की खुद निगरानी करते हुए रिपोर्ट्स बाकायदगी से सीपीओ भिजवाएं। सेफ सिटी 15 सेंटर से इमरजेंसी कॉल पर फौरी कार्रवाई। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के जरिए 3 गुमशुदा बच्चे वालदेन से मिलवा दिए गए। एमरजेंसी नंबर 15 पर थाना मिस्री शाह और निस्तर की हदूद से बच्चे गुम होने की कॉल्स मौसूल हुई। 4 साल मोहम्मद अयान और 3 साल आकाश और 7 साल फिजा फातिमा घर का रास्ता भूल गए थे। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने दोनों कॉल्स का मुआवजना किया और बच्चों की तस्दीक की। दोनों मालूमात एक जैसी होने पर पुलिस के जरिए बच्चे वालदैन के हवाले कर दिए गए। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पंजाब में कायम फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने मैनुअल की बजाय मेगा मैचर सॉफ्टवेयर से फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग मुतारिफ करवा दी। अब जदीद सॉफ्टवेयर से मुजरिमों के फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग चंद सेकंड्स में मुमकिन होगी। खतरनाक मुलजमान की गिरफ्तारी में मुआविन ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, जानिए इस खसूसी रिपोर्ट में। फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये क्राइम और क्रिमिनल दोनों के लिहाज से हमेशा से बात करते हैं, और ये ऐसी बात करते हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेटिव लीड मिलती है, जो कि क्राइम को वर्कआउट करने में और क्रिमिनल जो है उसे ट्रेस करने में मददगार है। जिस एंड के ऊपर हमारा डेटाबेस मौजूद है, जिसके साथ हमने इंटरेक्ट करके क्रिमिनल को वर्कआउट करना है, वो अभी सिंगल टच के ऊपर आ गया। इट डज़ नॉट टेक मोर देन 5 सेकेंड टू वर्क आउट द पर्सन हु इज़ बिहाइंड द क्राइम। फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अंदर मैनुअल के साथ साथ जदीद डिजिटाइज्ड अपडेटेड मेगा मैचर सिस्टम के साथ अटैच करके वर्किंग का बकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इससे ना सिर्फ जुराम की बेहतरी होगी बल्कि क्रिमिनल का मुहासबा करके उनकी सजायाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। फिंगरप्रिंट की जो टीम ने मौका वारदात पर जो निशान लिफ्ट किए होते हैं वो वहाँ भेजते हैं दफ्तर फिंगरप्रिंट ब्यूरो में। ये
एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिए जाते हैं। जो निशानात मौके पर लिए गए हैं उन पे सर्कल लगाकर मुतलका सब इंस्पेक्टर साहबान बैठे होते हैं एक्सपर्ट्स, उनको कहते हैं कि मेगा मैचर के ज़रिए प्रिंट्स जो हैं वो निकाल लिए जाएं। मुमकिन जो मुलजमान हैं वो जब ट्रेस आउट हो जाते हैं उसको उसी प्रोसीजर के तहत मुतलका DPOs के पास और तफ्तीशी अफसर के पास भेज दिया जाता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान में RPO राय बाबर सईद ने DPO रिजवान उमर गोंदल के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किए जाने वाले थानों का दौरा किया। DPO रिजवान उमर गोंदल ने RPO राय बाबर सईद को थानाजात में तामीराती मराहल के मुतालिक ब्रीफिंग दी। रहीम यार खान में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर थाना सिटी लियाकतपुर, सदर खानपुर, सिटी एडवियन, सदर सादिकाबाद, थाना कोट सब्जल और माचका स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। थानाजात को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। साफ सुथरा माहौल आने वाले शहरियों और पुलिस सर्विसेज पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। RPO बहावलपुर का कहना है कि थानाजात को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करने का मकसद अवामुन्नास के लिए तेज तरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। पुलिस मुआशरे में अमन अमान की जामिन और अवाम की जानो माल की मुहाफिज है। ननकाना साहिब दहशतगर्दी के पेश नज़र ननकाना पुलिस और CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका हंगामी मशकें, इदारों का रिस्पॉन्ड चेक किया गया। आइए झलकियां देखते हैं। और आखिर में आपको बताते चलें कि लोधरा पंजाब पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। 50 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमात का इंदराज। अब बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चलान के बजाय मुकदमा दर्ज होगा। IG पंजाब के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। वालदैन अपने बच्चों को गाड़ी या बाइक देने से मुकम्मल इज्तनाब करें। कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान व माल के नुकसान का बायस बनते हैं। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अपने बच्चों के मुजुर्माना रिकॉर्ड में इंदराज से बचने के लिए कानून की पासदारी करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी TV।